ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी कई सहयोगी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। आज दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु समेत 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन हुआ है। करीब 50,000 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन का ये पूरा मामला है। इस खबर पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं न्यूज 18 के संवाददाता शंकर आनंद। तो शंकर, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है इसके पीछे पूरा मामला क्या है? जी, इस वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा 4 शहरों के 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर 4 शहरों की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इन 4 शहरों के जो 21 लोकेशन है वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि अमेजन और फ्लिपकार्ट ये जो ई कॉमर्स कंपनी है इससे जुड़े हुए कई उनके जो सहयोगी कंपनियों के द्वारा किस तरह से एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता था, किस तरह से अपनी सहयोगी कंपनियों के मार्फत से सामान को बेचना और उससे जुड़े जो एक फेमा वायलेशन का मामला है उस मामले पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो हमारे सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 50,000 करोड़ का जो फेमा वायलेशन का जो मामला है इस मामले में आज कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कई मायनों में ये तफ्तीश का जो दायरा जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। और जिस तरह से फेमा के तहत पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस केस को टेक ओवर किया गया था और इस मामले में जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, तो आज जो 21 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह से अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है पिछले कुछ समय पहले जांच एजेंसी के हाथ में लगे थे कि किस तरह से तकरीबन 50,000 करोड़ का जो एक फेमा वायलेशन का जो मामला था उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट्स को निकाला गया, उसी के आधार पर आज यह तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस मामले पर देर शाम तक जब सर्च के ऑपरेशन की कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा कि किस तरह से ये फेमा का ये केस जांच एजेंसी ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया था, किस तरह से इस मामले में आज सर्च ऑपरेशन के दौरान में किन किन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली स्थित जो कनॉट प्लेस स्थित कैलाश बिल्डिंग है वहां पर एक कंपनी है वहां पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जहां पर एक कुछ जो सहयोगी कंपनियों की अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन से जुड़े हुए कुछ उसके सहयोगी कंपनियों की अगर बात करें तो उसके नाम है अपीरियो रिटेल्स, श्रीयस रिटेल्स, दर्शिता रिटेल्स, आशियाना रिटेल्स, इस तरह की जो कुछ कंपनियां हैं वहां पर भी वह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो किस तरह से इस मामले में तमाम सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तमाम सबूतों और दस्तावेजों को वहां पर जब्त किया जा रहा है, तो इस मामले में हो सकता है कि आज देर शाम तक या कल तक इस मामले में औपचारिक तौर पर उन तमाम जानकारियों को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा साझा किया जाएगा। जी शुक्रिया शंकर इस एक्सक्लूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। सोशल मीडिया कपल्स के बीच दूरी पैदा कर रहा है, कैसे जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा आज शाम 5:57 पर।